नरेंद्र मोदी ने इस बीच एक उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है हालात की समीक्षा के लिए। यह इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। ओडिशा में हुए इस रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई एक बेहद अहम बड़ी उच्च स्तरीय बैठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है हालात की समीक्षा के लिए। यह बैठक बुलाई है, इससे पहले हमने देखा था कि कल पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की थी और हालात की जानकारी ली थी। उन्होंने घायलों के प्रति, जो जिनकी मौत हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की थी और कहा था कि उस मुश्किल घड़ी में वो तमाम पीड़ित परिवारों के साथ है। अब हालात की समीक्षा के लिए यहां पर एक्शन में है केंद्र सरकार। जनक दवे मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, यहां पर पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और क्या जानकारी मिल रही है? खासतौर पर राहत और बचाव का किस तरीके काम रहा और चिकित्सा वहाँ पर रेल मंत्री की वहाँ मौके पर है। बालोसर में जो दुर्घटना हुई 300-288 इसकी मौत का मामला है और 1000 से ज्यादा लोग मृत्यु है। तो सबसे पहले ऐसी आपदा स्थिति में रेस्क्यू रिलीफ वर्क और पूरी केंद्र सरकार ने जो भी मदद की है उनका नहीं की डिटेल पीएम की और जो जानकारी है वो जितने प्रधानमंत्री कार्यालय के जो वरिष्ठ अधिकारी है, मंत्रालय के अधिकारी है, उनको हमसे जुड़कर लगातार संपर्क में करते ही और उनसे भी इंटूमेट अपडेट ले रहे हैं और पीएम इस मामले में सभी जानकारी डाल रहे हैं। पेशेंट जिनको रिलीफ देनी थी वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय से ठीक है। जनक, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में जाहिर तौर पर यह तय होगा, इस बात पर चर्चा होगी किस तरीके से इस हादसे में जो घायल लोग हैं उन्हें सही उपचार पहुंचाया जाए, हादसे की वजह क्या रही, इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल, देखिए कल ही ट्वीट करके इस हादसे पर अपनी संवेदनाएं जताई गई थी और इस बात को का ऐलान किया गया था कि जो भी संभव मदद हो सकेगी वो जरूरतमंदों को पहुंचाई जाएगी। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी उन्होंने मुलाकात की है और हादसे की लगातार जो रिपोर्ट है वो पहुंचाई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन दो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि हादसा कितना बड़ा है। ड्रोन के जरिए ये जो तस्वीरें हमने ली हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हादसे का कितना व्यापक असर हुआ है। न जाने कितनी ही जिंदगियां इसमें चली गई हैं। 288 का आंकड़ा अभी तक सामने आया है और 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब माना यह जा रहा है कि और भी लोग इस ट्रेन में फंसे हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी जनक जुड़े हुए हैं। जनक, उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री लगातार ये जानकारी ले भी ले रहे हैं और खासतौर पर बालसोर में जो रेल दुर्घटना हुई है बड़ी दुर्घटना है, 288 से ज्यादा की मौत और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। रेल मंत्री से लगातार संपर्क में है प्रधानमंत्री कार्यालय और जितनी भी शुरुआती तौर पर जो कहें तो रिलीफ और रेस्क्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब इस तरीके की बड़ी दुर्घटना होती है, तो चाहे केंद्र सरकार की ओर से मदद का भरोसा हो, प्रधानमंत्री रिलीफ से भी जो उनको एस्पिरेशन देना था जो जख्मी हुए और जिनकी मौत हुई वो भी उनकी घोषणा भी दी गई है और बेहद बड़ी जो घटना है उस पर दुख भी जता है। तो इस मीटिंग में मेजर तौर पर जो रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी जो संपर्क के उनसे जो मिनट टू मिनट जो अपडेट है वो प्रधानमंत्री इनसे लेंगे और जो भी रेस्क्यू रिलीफ की जो भी जरूरत हो राज्य सरकार को वो वहां से मुहैया कराएंगे। चाहे कि एनडीआरएफ की टीमें वहां से वैसे ही पहले पहुंचा दी गई है, लेकिन जो तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी सारी चीजें इस मीटिंग में बारे में प्रधानमंत्री खुद अधिकारियों से इस मामले में लेंगे। और ये बेहद खौफनाक तस्वीरें भी है, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, कितना बड़ा ये रेल हादसा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही एक बेहद अहम उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है जनक, लेकिन ये जो बैठक है जिस तरह से राहत और बचाव का काम जारी है क्या इसे तेजी से खत्म किया जाए, इसे लेकर बड़े दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं इस बैठक के बाद? बिल्कुल, देखिए हालांकि इंक्वायरी हुई है कि किस तरीके से ये घटना, इंक्वायरी हो भी रही है, उसमें सेफ्टी कमिश्नर को इस मामले में खासतौर पर कहा गया, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को किस तरीके से ऐसी, चूंकि 3 ट्रेन का इस तरीके से दुर्घटना होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, तो इसमें रिपोर्ट तो बाद में आएगी लेकिन प्रिलिमिनरी क्या है वो एक जानकारी सबसे पहली प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाएगी। रेल मंत्री खुद वहां पर मौके पर है, वो मिनट टू मिनट अपडेट भी वहां पर से दे रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले जैसे मैंने कहा प्रशांत की इस तरीके जब भी बड़ी घटनाएं होती हैं तो रेस्क्यू और रिलीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे चलते जितना हताहत का जो आंकड़ा है वो कम किया जाए अगर रेस्क्यू जल्दी हो जाते हैं। इसलिए चलते एनडीआरएफ की टीमें वैसे ही पहले पहुंचा दी गई है, ऑन द वे है, और क्या मदद केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है, क्योंकि राज्य सरकारों के हाथ जब छोटे पड़ते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से मदद का।
ठीक है जनक, आप रहिए हमारे साथ। तो पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। बालासोर हादसे पर पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें वो सारा अपडेट लेंगे ट्रेन हादसे पर, क्योंकि पहले ही इंक्वायरी बैठा दी गई है। जो रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर है वो पूरी जांच करेंगे। और पीएम ने बैठक बुलाई है, कल ही पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने अश्विनी वैष्णव से जानकारी ली थी। और पीएम मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, यानी कि हालात पर पीएम मोदी की नजर है, मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। और जो भी केंद्र सरकार मदद कर पा रही है, चाहे फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में गति देनी हो, इस पर पीएम मोदी की नजर है। जनक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, पीएम मोदी मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। कल जब यह हादसा होता है, पीएम मोदी का ट्वीट आता है, वो अश्विनी वैष्णव से जानकारी लेते हैं। अब भी हालात पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और जो भी केंद्र से मदद हो पाएगी वो पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखिए जिस तरीके से घटना है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और अभी भी एक आशंका जताई जा रही है कि हताहत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, तो ऐसे में रेस्क्यू रिलीफ सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जब केंद्र सरकार, जिस मैंने कहा कि केंद्र सरकार जहां पर उनको लगे कि यहां पर उनको मदद की जरूरत है, तो हमें राज्य सरकार जब मदद के लिए देती है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को मदद पहुंचाती है। तो इस मामले में कल रात से ही मिनट टू मिनट, और इसीलिए रेल मंत्री को वहां मौके पर भेजा गया, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं नवीन पटनायक, और उसके अलावा बाकी राज्यों को मदद की जरूरत है वो भी राज्यों ने पहुंचाई है। तो यहाँ केंद्र सरकार एक बड़े प्लेयर के तौर पर अगर देखिए तो वो मदद के तौर पर उन्हें दिखाई है। और मिनट टू मिनट अपडेट जो मैं कह रहा हूँ लगातार, कल रात को ही एक्सक्रेशिया जैसे जो मृतक है उनको 2 लाख और जो जख्मी हुए उनको 50 लाख का इनिशियली जो मुआवजा कहें वो प्रधानमंत्री रिलीफ कर रहे हैं, तो वो भी वहां पर पहुंचाया गया। तो मिनट टू मिनट अपडेट के साथ साथ रेस्क्यू रिलीफ में क्या क्या अपडेट है वो भी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार रेल मंत्रालय से, रेल मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार ले रही है, रेल मंत्री से भी लगातार इस मामले में अपडेट लिए जा रहे हैं। पीएम मिनट टू मिनट इन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं कि जिससे रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन और तेजी से और स्मूथली इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। जनक, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब पीएम द्वारा खुद नजर बनाई जाए और इस बात का आश्वासन दिया जाए कि जो भी संभव मदद हो पहुंचाई जाएगी, ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिंदगियों को बचाने का, इसको बल मिलता है। एफर्ट्स होते हैं, देखिए जब ऐसी चीज बड़ी आपदा होती है तो एक कलेक्टिव एफर्ट्स रिजल्ट काफी अच्छा देते हैं। और जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब केंद्र सरकार के पास संसाधन जब ज्यादा है तो वो प्रधानमंत्री की नजर भी रहती है, और हमेशा उनके नेचर भी रहा है कि कोई भी राज्य क्यों ना हो, उनको अगर इस तरह की जरूरत हो केंद्र सरकार पहले ही